जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हमारे भारत देश में कई सारे नए नियम हर महीने लागू होते ही रहते हैं, लेकिन ये जो हमारे भारत की सरकार की तरफ से कल से हमारे नए नियम और बड़े बदलाव होने वाले हैं, इसका आपके जिंदगी के साथ साथ आपके जेब पर इसका सीधा असर पड़ने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में हमारे भारत की सरकार की तरफ से कल से हमारे देश में कौन कौन से नए नियम लागू होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपके पास एटीएम कार्ड है या आपका बैंक में खाता है या फिर अगर आपके घर में चाहे कोई सा भी रसोई गैस सिलेंडर है, यानी कि ऐसे करके हमारे भारत की सरकार की तरफ से कई सारे नए नियम लागू होने वाले हैं। तो आज हम आपको अपने इस वीडियो में इन्हीं सभी नए नियम यानी कि जो आपके 1 अगस्त 2021 से सारे नए नियम लागू होने वाले हैं, इन्हीं के बारे में मैं आपको पूरी बड़ी खबर विस्तार से बताऊंगा। लेकिन हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल घंटे को दबा करके हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हम कोई भी ऐसे ही न्यूज अपडेट की जानकारी हर रोज अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा नया नियम निकल कर आ रहा है कि अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं, जाहिर सी बात है कि आजकल के जमाने में हर एक व्यक्ति एटीएम से तो पैसे निकालता ही है, राइट। तो इसीलिए दोस्तों, हमारे भारत की सरकार ने एटीएम से पैसे निकालने के लिए जो सबसे पहले आपको 15 रुपए का चार्ज लगता था, वही चार्ज अब से यानी कि 1 अगस्त 2021 से अगर आप एटीएम से पैसे ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 15 रुपए के जगह 17 रुपए पेमेंट करना होगा। ये दोस्तों आपको पे नहीं करना होगा, अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो ऑटोमेटिक आपके बैंक खाते में से 17 रुपए आपका ऑटोमेटिक कट जाएगा, वो भी जीएसटी चार्ज के तौर पर। तो ये हमारे भारत की सरकार ने एटीएम से ट्रांजेक्शन करने पर बहुत ही सख्त नया नियम लागू कर दिए हैं। और इसके अलावा दोस्तों, जो हमारा दूसरा नियम है वो हमारे भारत की सरकार ने सभी बैंक ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों, मान लीजिए कि अगर आपका किसी भी सरकारी बड़े बैंक में खाता है और अगर आप अपने बैलेंस को मेंटेन नहीं रखते हैं, यानी कि अगर आप 3000 से कम बैलेंस अपने अकाउंट में रखेंगे तो आपके हर महीने बैंक से पैसे कटेंगे। तो ये भी हमारे भारत के सरकार ने बैंक के सारे नए नियम चेंज कर दिए हैं और ये जो आपके नए नियम है वो भी हमारे कल से देश में लागू हो जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में चाहे कोई सा भी रसोई गैस सिलेंडर है, जाहिर सी बात है कि आजकल के जमाने में खाना बनाने के लिए हर एक घर में कोई ना कोई कंपनी का रसोई गैस सिलेंडर तो होता ही है, तो इसीलिए हमारे भारत की सरकार कल 1 अगस्त 2021 से हमारे देश में रसोई गैस सिलेंडर के दाम में परिवर्तन करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको एग्जैक्टली इसका रेट अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जब भी इसका रेट में परिवर्तन होता है वो आपके नए महीने से होता है। इसलिए मैं आपको कल ही इसका पूरा एग्जैक्टली रेट बता दूंगा कि हमारे भारत की सरकार कितने रुपए की बढ़ोतरी या कमी किया है। और दोस्तों, मैं आपको जो चौथी अपडेट के बारे में जानकारी बताने जा रहा हूँ, यानी कि जो हमारे देश में चौथा नया नियम लागू होने जा रहा है, वो हमारे भारत की सरकार सभी पैन और आधार के लिंकिंग की डेडलाइन 31 अगस्त 2021 तक कर दिया है। दोस्तों, हर महीने हमारे भारत की सरकार इसकी डेडलाइन आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अगर आपका अभी तक पैन और आधार आपस में लिंक नहीं हुआ है तो आप जल्दी से जल्दी अपने पैन और आधार को यानी कि दोस्तों दोनों को एक साथ जुड़वा लीजिए, वरना आगे चल करके आपको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो यही कुछ हमारे देश में कल से 1 अगस्त 2021 से हमारे देश में नए नियम लागू होने वाले हैं। अगर दोस्तों आप इन नए नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो आने वाले जीवन में आपको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में आप हमें नीचे कमेंट करके इतना जरूर बता दीजिएगा कि जो जो हमारे भारत की सरकार की तरफ से नए नियम लागू होने वाले हैं उनमें से कौन सा नया नियम आपको अच्छा लगा। इतनी बात हमें नीचे कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए, इसी खबर के साथ आज का यह वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ एक और नई अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।